नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज इनर टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विद नेग्लेजिबल स्पीड एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ फाइव इंटू टू दू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड इन ट्रेवलिंग वन सेंटीमीटर अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन फाइंड द कॉन्स्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन्स और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को दिया हुआ नाइन पॉइंट वन इंटू टू पावर माइनस थर्टी वन हम ले सकते हैं यहाँ पे नाउ सिंपल सवाल है स्नैरू ये कि आपका यहाँ से uh, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इजेक्ट uh, हुआ है और आपको यहाँ तक पहुँचने में इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है यहाँ तक पहुँचने में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम चाहते हैं हो जाए फाइव इंटू टेन टू द पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड डेटा सही लिया हमने ठीक है इतनी यहाँ पे वेलोसिटी हो जाए और डिस्टेंस uh, ट्रेवल है आपका यहाँ से यहाँ तक कैथोड थोड़ा वेलासटी इन वन सेंटीमीटर सो वन सेंटीमीटर का मतलब हो गया टेन टू माइनस टू मीटर इतने में आपकी ये वेलोसिटी हो जानी चाहिए ना अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें सो वी कैन से एक्सलेशन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए सॉरी टू एस सो फाइनल वेलोसिटी है फाइव इंटू टेन टू दी पावर सिक्स का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर माइनस टू सो आपका एक्सलेशन जो ये आ गया ये हो गया ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड टेन टू पावर सिक्स का स्क्वायर ट्वेल्व टू फोर्टीन टेन टू फोर्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेशन हो गया ना हमें आप बताना है फोर्स कितना अप्लाई होएगा तो फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए सो मास दिया हुआ है नाइन पॉइंट वन इंटू ट्वेंटू दि पावर माइनस थर्टी वन मल्टीप्लाइड बाई य आपका बन जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई टू यानी कि तो, ऐसे लिख लेते हैं ट्वेंटी फाइव बाई टू इंटू ट्वेंटी पावर फोर्टीन ना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपनी जो फाइनल फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो होगी वन पॉइंट वन वन थ्री multiplied by 10 to the power minus 15 Newton. So, that will be our final answer for this particular problem.